नमस्कार दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 11वें दिन की कथा अध्याय 11 में। ऋषि पुत्री का घोर तप तथा शिव का उसे 5 पति होने का वर देना। नारद जी बोले, हे महामुने, ऋषि कुमारी जो तप मुनियों को भी दुष्कर कार्य है, वह उसे कैसे करने लगी, यह हमें सुनाइए। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने शांत सनातन 5 मुखी शिव का चिंतन कर अति दारुण तप आरंभ कर दिया। सर्पों के आभूषण, नंद भृंगी गण से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से समन्वित 8 महासिद्धियों, प्रकृति एवं पुरुष से युक्त मस्तक पर अर्धचंद्र, जटा और मुकुट से जो भी ऐसे भगवान शिव का ध्यान कर वह बाला भीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि के मध्य बैठकर परम तप करने लगी। हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर मुख को जल के ऊपर करके तप करने लगी। उस समय वह ऐसे प्रतीत हुई जैसे मानव जल में कमलिनी खिली हो। सिर के नीचे काले बाल ऐसे शोभित होते थे मानो लताएं फैली हुई हों। शीत के कारण उसके ब्रह्महरद से निकलता हुआ धुआं ऐसा प्रतीत होता था मानो कमल के मकरंद का पान करके भौरे निकल रहे हों। वह कोमलांगनी कन्या प्रातः और सायंकाल धूम्रपान करके रहती थी। उसका कठोर तप सुनकर इंद्र बड़ा चिंतित हुआ। हे नृपनंदन, सब देवताओं को सराहने योग्य ऐसे तप में लगी हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। तब पार्वती पति शंकर ने बाला के तप से प्रसन्न हो उसे अपने अगोचर रूप का दर्शन दिया। वह शिव का दर्शन पाकर झटपट खड़ी हो गई मानो देह में प्राण वापस आ गए हों। वह तप से दुबली हुई बाला हष्ट पुष्ट हो गई थी। हवा, धूप और वर्षा से पीड़ित वह कन्या शिव जी को अत्यंत प्रिय लगी। तब कन्या ने विनर्म होकर शंकर जी को प्रणाम किया। फिर विश्व बंदित शंकर की मानसिक उपचारों से पूजा करके बड़ी श्रद्धा भक्ति से स्तुति करने लगी। हे पार्वती बल्लभ, हे प्राणनाथ, हे प्रभु भृग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे तमह, हे सोम, सूर्य और अग्नि रूपी दिव्य त्रिनेत्र वाले मेरे आधार, हे मुंडमालधारी, आपको नमस्कार हो। अनेक तापों से उत्पन्न पीड़ा वाले, व्याधि से युक्त इस घोर संसार रूपी सागर में डूबे हुए दुष्ट काल रूपी सर्प की उग्र दाणों से डसे हुए प्राणी भी आपकी शरण में आकर मुक्त हो जाते हैं। हे विभो, आपने बाणासुर को अपनाया, राजा अलग की मरी हुई स्त्री को जीवित कर दिया। हे दयानाथ, हे भूतेश्वर, हे चंडीश्वर, हे भवत्राण, हे मृत्युंजय, हे प्राणनाथ, हे दक्ष यज्ञ के विध्वंसक, हे शत्रुओं के नाशक, अपने भक्तों को जन्म मरण रूपी बंधन से छुटाने वाले, आवागमन को मिटाने वाले, हे सृष्टिकर्ता, हे प्राणपति, हे पापहारी, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री मन और वाणी से शिव जी की स्तुति करके शांत हो गई। ऋषि पुत्री के महा उग्र तप से उसकी स्तुति को सुन शिव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे तपस्विनी, हे महाभागे, तेरा कल्याण हो, मन इच्छित वर मांग, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, तू किसी प्रकार की चिंता मत कर। हे राजन, महा आनंद में मग्न हुई कुमारी प्रसन्न हुए शिव के ऐसे वचन सुनकर बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे इच्छित पति दीजिए। हे प्रभु, देर मत कीजिए। हे महादेव, मुझे पति दो, पति दो, श्रेष्ठ पति दो, मैं पति मांगती हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगती। ऐसा कहकर वह चुप हो गई। महादेव जी यह सुनकर मुनि कन्या से बोले, हे मुनि कन्या,
तूने जो कहा है वही होगा। तूने 5 बार पति पति कहकर वर मांगा है, इसलिए हे सुंदरी तेरे 5 पति होंगे। वे सभी शूरवीर, धर्मवेत्ता, साधु, सत्यवादी, पराक्रमी, जवान, अपने गुणों से विख्यात, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, तुझे सब सुख देने वाले और सब गुणवान राजकुलोत्पन्न होंगे। श्री कृष्ण बोले, शंकर जी के ऐसे वचन सुनकर वह कांपते हुए बोली, हे उमाकांत, ऐसा अनीतिपूर्ण वर देकर मेरा संसार में तमाशा न बनाए, क्योंकि एक स्त्री का एक ही पति होता है। 5 पति वाली कोई भी स्त्री कभी न देखी गई है न सुनी गई है। हाँ, यह संभव है कि एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती हैं। हे शंभु, आपकी आराधिका होकर मैं 5 भर्ता वाली कैसे हो सकती हूँ? हे कृपानिधे, ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी भक्तिन हूँ, अतः आपको ही लज्जा आनी चाहिए। कन्या के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी फिर उससे बोले, हे भीरू, इस जन्म में तुझको पति सुख नहीं मिलेगा, परंतु तेरे अगले जन्म में जब तू अपने तपोबल से अयोनिजा अर्थात अग्नि कुंड से उत्पन्न होगी, तब तू पति सुख को प्राप्त हो परम पद को पाएगी। तूने मेरे प्रिय स्वरूप दुर्वासा का अपमान किया है। हे शुभ्रु, यदि दुर्वासा ऋषि कुपित हो जाएं, तो वे तीनों लोक को भस्म कर सकते हैं। तूने अहंकार वश ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया है और भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण ने अपना सब ऐश्वर्य सौंपा था। हे बाले, मैं ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता और नारद से लेकर जितने तपस्वी लोग हैं, वे सब भी श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? हे मूढ़ कन्या, दुर्वासा के कहने पर भी लोक पूजित मास तूने नहीं पूजा, अतः हे पुत्री, तेरे 5 पति अवश्य होंगे। पुरुषोत्तम मास के खंडन करने से अब यह टल नहीं सकता। जो इस मास की निंदा करता है, वह उसके विपरीत फल पाकर घोर नरक में जाता है। अत्यंत महान महात्माओं का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है, तू ही बता। सच बोलने वाले मुनियों की वाणी अनुकरणीय है। नीलकंठ महादेव ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला अपने झुंड से बिछड़ी हुई मुर्गी की भांति चकित हो इधर उधर देखती हुई रह गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, दूज के चंद्रमा से युक्त भाल वाले सदाशिव के अंतर ध्यान होने पर, जैसे इंद्र को व्रतासुर दैत्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या लगने के कारण चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनि कन्या को दुर्वासा के वचनों का उल्लंघन करने के कारण चिंता सताने लगी। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 11वां अध्याय समाप्त।